सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फुकरा मैथ्स पे। तो कैसे आप लोग सब, आई होप बढ़िया। ठीक है, तो ये आपका सेट्स का लेक्चर है। सेट्स के लेक्चर में अभी तक हम क्या कर चुके थे, हम ये हमारे शायद 11 लेक्चर हो चुके हैं, ये हमारा 12वां लेक्चर होगा। हम अब तक कर चुके थे एक्सरसाइज 1.6 हम कंप्लीट कर चुके थे। वैसे तो ये मिसलिनियस एक्सरसाइज का ये लेक्चर आना चाहिए था, पर मैंने सोचा मिसलिनियस से पहले कुछ एग्जांपल्स मिसलिनियस के वो पहले करवाऊंगा, और थोड़े से एक्सरसाइज 1.6 से भी एक दो एग्जांपल्स पहले थे, ठीक है, वो मैं करवाऊंगा, तब आपके थोड़े और जो हैं कॉन्सेप्ट थोड़े और ज़्यादा बढ़िया क्लियर होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो अपनी किताब वगैरह खोल के बैठ जाइए, नोटबुक एक लेके बैठिए, जो भी लिखवाऊँ नोट करिए, क्योंकि वैसे अगर मैथ्स को आप सोचोगे तो सिर्फ मैं लेक्चर देख के और एक ही बार में मैं पढ़ लूँ, या फिर लेक्चर कोई एक ही बार में देख के मैं पढ़ लूँ, या फिर लेक्चर कोई दो से तीन बार देखूँ मैं, हो जाए तो मैथ्स कोई कर पाएगा, पर हर मेरे हिसाब से जो हर कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक कॉपी किताब लेके बैठिए, ठीक है, और एक पूरे क्या बोलते हैं वन गो में, यानी कि एक बार में पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा था एक्सरसाइज 1.6 से एक दो एग्जांपल्स थे एक्सरसाइज 1.6 में, हमारा है एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 में हमारे कुछ एग्जांपल्स थे, वो हमें करने हैं। ठीक है, एक है एग्जांपल नंबर 26, उससे पहले के एग्जांपल तो आप सारे कर ही सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल नंबर 26 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 26, एग्जाम्पल नंबर 26 में आपसे बोल रखा है, एक सर्वे हुआ जिसमें कितने, एक स्कूल में जिसमें 400 बच्चे थे। क्या है, एक स्कूल में सर्वे हुआ, ये हमारा एक स्कूल है, इसमें सर्वे हुआ, इसमें कितने बच्चे थे पहले, तो 400 बच्चे थे। ठीक है, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, इसमें से बताया गया इन चारों में से इसी स्कूल के बच्चे थे जो 100 एप्पल जूस पी रहे थे। ठीक है, और 75 वर लिस्टेड टेकिंग बोथ, अच्छा 150 एक है, एंड 150 बता रखा है क्या लेते हैं, ऑरेंज जूस। ठीक है, 150 क्या लेते हैं, ऑरेंज जूस लेते हैं, और साथ ही साथ 75 बच्चे क्या लेते हैं, बोथ लेते हैं। ठीक है, तो आपने एग्जांपल शायद ये देखा होगा, तो इसमें ये जो 400 बता रखा है, अभी तक जो मैंने एक्सरसाइज 1.6 में करवाया था, इसमें 400 में हमेशा लिखवाता था ए यूनियन बी के लिए। ठीक है, बट अभी आपने एग्जांपल देखा होगा तो इसमें आपका लिख रखा है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्या लिख रखा है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारा जो ए यूनियन बी है, हर केस आपको देखना पड़ेगा, ए यूनियन बी जो है वो हमारा या तो यूनिवर्सल सेट से छोटा होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो होगा हमारा या तो यूनिवर्सल सेट से छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। ठीक है, कई बार क्या हो सकता है, या तो उससे छोटा होगा या तो उससे क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। इस केस में देखो, इस केस में देखोगे 100 बच्चे क्या बता रखे हैं, एप्पल पीते हैं, एप्पल जूस पीते हैं, 150 बच्चे ऑरेंज जूस पीते हैं, दोनों का सम करो कितना आ गया, 250 बच्चे, 250 स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल कितने हैं, 400 हैं, और ये तो 75 बोथ है, तो कुछ इसमें से भी होंगे बोथ वाले, जो ऑरेंज के साथ साथ एप्पल भी पीते होंगे, कुछ इसमें से भी होंगे। फिर बच्चे कितने हमारे, 150, फिर हमारे शायद 150 में से भी हो जाए, पर देख रहे हो, पर कुछ बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे बच भी जाएंगे, कुछ बच्चे यहाँ पर हमारे बच जाएंगे। तो इस केस में हम क्या लेंगे, इसको हम ये ए यूनियन बी ना लेकर हम लेते हैं नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्या लेंगे हम इसे, यूनिवर्सल सेट, जो हम क्या सेफ प्ले खेल सके। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमने क्या मान लिया, पूरे स्कूल को हमने क्या मान लिया, एक हम यूनिवर्सल सेट मान लिया। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। तो हमने क्या माना, नंबर ऑफ एनिमलिटी इन यूनिवर्सल सेट हमारा कितना है, जैसे पहले थोड़े नोटेशंस दे देते हैं, लेट क्या पीते थे, एप्पल, ए बी द स्टूडेंट ड्रिंक्स, क्या पीते हैं, एप्पल जूस। हमने ए मान लिया जो एप्पल जूस पीने वाले स्टूडेंट्स है। ठीक है, ए क्या मान लिया, एप्पल जूस पीने वाले स्टूडेंट थे। ठीक है, दोबारा लेट करते हैं, लेट ओ बी द स्टूडेंट्स, क्या था, ओ बी द स्टूडेंट्स ड्रिंक्स, स्टूडेंट होगा, लेट ओ बी द स्टूडेंट ड्रिंक्स
ऑरेंज जूस। क्या है? ऑरेंज जूस। हमने क्या मान लिया, ए वो स्टूडेंट्स है जो एप्पल ड्रिंक पीते थे और ए वो स्टूडेंट है जो ऑरेंज ड्रिंक पीते थे। ठीक है, अच्छा हमने क्या बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट है ये। कितने बच्चे दे रखे हैं इसमें पूरे स्कूल में? 400 बच्चे दे रखे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो और क्या क्या दे रखा है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यानी कि एप्पल जूस पीने वाले कितने बच्चे थे? 150। फिर 100 थे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ये कितने दे रखे हैं? 150। नंबर ऑफ बी नहीं है, ओ है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन ओ ये कितने दे रखे थे? 75 बच्चे थे। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस और नॉर क्या बोलते हैं ऑरेंज जूस। क्या बोल रखा है, नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। सेट्स में आपको अगर ऐसे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं अगर वेन डायग्राम वाले, तो आपको इंग्लिश पे आपकी पकड़ होनी चाहिए ढंग की। ठीक है, ये सब आपको समझने के लिए, नॉर ऑरेंज जूस। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा जूस। अच्छा इस लाइन का मतलब क्या है, नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, इसका मतलब ना ही एप्पल जूस होगा ना ही ऑरेंज जूस होगा। ठीक है, तो पहले हम नीदर और नॉर को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम बीच में हमारा क्या है, यहाँ पर और है, तो क्या होगा हमारा ए हमारा एप्पल वाला यूनियन, ऑरेंज वाला हमारा क्या होगा ओ। क्यों यूनियन आ गया हमारा, क्योंकि हमें यहाँ पर और दे रखा है, और का मतलब मैंने क्या बताया था, हमेशा यूनियन निकालना है। ठीक है, यूनियन आ गया हमारा, बन गया ये सेट। बट अब हमारे यहाँ पे क्या दे रखा था, नीदर और नॉर, नीदर इस मतलब नीदर ना ही एप्पल ना ही ऑरेंज जूस। ठीक है, क्या ना ही एप्पल ना ही ऑरेंज जूस, इसका मतलब क्या, ये दोनों ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ना ही एप्पल जूस लेना है ना ही ऑरेंज जूस लेना है। अगर आपको एक बास्केट में एक बॉल रखी है या एक काली बॉल रखी है, मान लो एक बास्केट है उसमें एक काली बॉल रखी है और एक क्या रखी है, सफ़ेद बॉल रखी है। मैंने आपसे कहा ना ही तुझे सफ़ेद बॉल लेना है ना ही तुम्हें ब्लैक बॉल लेना है। क्या बोला मैंने, ना ही आपको वाइट बॉल लेना है ना ही आपको ब्लैक बॉल लेना है। इसका मतलब क्या बोल दिया मैंने, जो उन दोनों बॉल में से आपको एक भी बॉल नहीं लेना। मेरे बोलने का मतलब क्या हुआ, या फिर मान लो 10-10 दोनों बॉल थे, 10 ब्लैक के 10 वाइट के बॉल थे, मैंने आपको बोला ना ही सफ़ेद ना ही वाइट बॉल ना ही ब्लैक बॉल, इसका मतलब क्या हो गया, जो आपको इन दोनों ही जो वैरायटी है बॉल की उन दोनों में से आप एक भी वैरायटी में से एक भी बॉल नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या हो गया, जो आप ना ही एप्पल ना ही ऑरेंज, इसका मतलब क्या हो गया, जो दोनों ही ड्रिंक नहीं पियेंगे। ठीक है, ना ही एप्पल ना ही, इसका मतलब दोनों ही ड्रिंक नहीं पियेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ड्रिंक पीते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ड्रिंक अगर जैसे मान के चलो नीदर नहीं होता है, एप्पल और जूस होता, सिर्फ एप्पल जूस और ऑरेंज जूस, ऑरेंज एप्पल जूस पीने वाले ऑरेंज जूस पीने वाले, इस केस में हमारा क्या होता, ए यूनियन हो जाता। बट हमें क्या बोल रखा है, ना ही एप्पल जूस पीने वाले ना ही ऑरेंज जूस पीने वाले, तो हमने क्या पढ़ा था, ना ही वाले में क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट हमारा लग जाता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, रब कर देता हूँ इसे, हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए यूनियन ओ का। तो निकालते हैं, क्या होगा हमारा, ए यूनियन ओ का हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मूला हमने पढ़ा ही था, क्या होता है, हमें क्या करना है, वो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से हमें क्या कर देना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ओ घटा देना है, हमारा एन ई वी यहाँ पे होगा, ए यूनियन ओ हमें घटा देना है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन डाटा में देखो, हमें ए यूनियन ओ तो दे ही नहीं रखा, हम क्या करेंगे, ए यूनियन ओ निकाल लेते हैं, क्योंकि सारे डाटा क्या बोलते हैं, ए हमारे पास है ही, ओ हमारे पास है ही, इंटरसेक्शन हमें दे ही रखा है, तो यूनियन वाला हम निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ओ इक्वल्स टू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन ओ। ठीक है, हमें ये निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना दे रखा है, 100। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना दे रखा है, 150। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन ओ ये कितना दे रखा है, 75। तो हमारा कितना आ गया, 100 प्लस 75 यानी कि 175, हमारा कितना आ गया, 175। अब डाल देते हैं यहाँ पर, इस वाले में डाल देते हैं, या इसे मिटा के ही करता हूँ। ठीक है, इसे नोट कर ले लो, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ।
ठीक है, तो हमारा कितना आ गया ए यूनियन ओ की वैल्यू 75। अब वैल्यू पुट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन सेट यूनिवर्सल सेट 400, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ओ 175, दोनों को कर दो माइनस, कितना आ जाएगा 225, कितना आ गया हमारा 225 स्टूडेंट क्या है, देयरफोर 225 स्टूडेंट्स ड्रिंक नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, ठीक है, क्या है 225 बच्चे हैं जो ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं ना ही क्या वो कौन सा एप्पल जूस पीते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने इसमें यूनिवर्सल वाला फॉर्मूला हमने इसे क्या मान लिया था, हमने यूनिवर्सल मान लिया। इसका एक छोटा सा ट्रिक और है, जैसे यहाँ पर ये डाटा क्या बोलते हैं, डाटा आपको पहचानना पड़ेगा। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना दे रखा है 100, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओ कितना दे रखा है 150 दे रखा है, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन ओ ये हमें छोड़ दो। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या बोलते हैं, अगर मान लो हमने इसको 400 का हमने ये मान लिया होता, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ओ हमने मान लिया होता इसे ए, ठीक है, तो हम कैसे मानेंगे जो ये हमारा जो 400 है ये या ये है या फिर हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ओ है, हम कैसे मानेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, क्या है ट्रिक, जो डाटा दे रखा है पहले हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए देखो ये 100 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओ देखो 150 है, तो यहाँ पर देख लो बहुत ज़्यादा गैपिंग है, 100 से 400 के बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग है, 150 से 400 के बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग है। इसका मतलब क्या है, कुछ एलिमेंट्स हमारे छूट जाएंगे, कुछ एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे छूट जाएंगे अगर ए यूनियन बी हम लेंगे तो, ठीक है। तो इस केस में हम क्या लेंगे, हम यूनिवर्सल सेट ले लेंगे जो हमारे सारे एलिमेंट्स क्या आ जाए उसके अंदर आ जाए, ठीक है। अगर मान लो मैंने इसको अगर ए यूनियन बी ए यूनियन ओ ले लिया होता, ए यूनियन ओ ले लिया होता, तो हमारे क्या होते कुछ एलिमेंट हमारे छूट जाते, कि कैसे छूट जाते, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे ये 100 है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओ हमारे क्या है 150 है, अगर हम ए यूनियन ओ लेते तो हमारे अगर मान के चलो अगर मैं इसको प्लस भी कर देता, ठीक है, अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो हमारा कितना आ गया 250 आ गया, फिर भी 150 का गैपिंग था, ठीक है, फिर भी 150 का गैपिंग था। और ऐसे भी देख लो ये हमारा कितना आ गया था दोनों का सम 250 आ गया था। अच्छा ये 75 वाला है, इस 75 वाले को भी इसमें ऐड कर दो 250 में, 250 में अगर मान के चलो 75 को हमने ऐड कर दिया तो 250 और 75 कितना आ गया हमारा ये 325 कितना आ गया हमारा 325 आ गया। बट यहाँ पर देखो हमारा क्या है, इसमें हमारे ए वाले भी हैं ओ वाले भी हैं, ठीक है, तो कुछ तो हमारे इसमें से ये हमारे इस वाले एलिमेंट में हमारे ए और ओ वाले होंगे जो एप्पल पीता है, ज़रूरी थोड़ी है इनमें जो सिर्फ ये 100 के 100 सिर्फ एप्पल पीने वाले हैं, इनमें से कुछ बच्चे वो भी हो जो ऑरेंज भी पीते हो। सेम इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओ जैसे दे रखा है तो इसमें ऑरेंज जूस पीने वाले, ज़रूरी थोड़ी है सिर्फ ऑरेंज जूस पीते हैं, हो सकता है एप्पल जूस भी पीते हो, ठीक है। तो इस केस में देख रहे हो, तो अगर ये देखो अगर मान के चलो ये अगर हम मान के चलते हैं ये सिर्फ एप्पल पीते हैं एप्पल जूस पीते हैं ये सिर्फ ऑरेंज जूस पीते हैं, तो इस केस में अगर देखो तो हमारा कितना हो गया 250 प्लस में 75 हमने कर दिया जो कि हमारे हिसाब से ए ए इंटरसेक्शन ओ है, तो हमारे कुछ एलिमेंट इसके कुछ एलिमेंट पहले ही हमारे इसमें भी आ गए होंगे, इसके कुछ एलिमेंट उस तरह से ही पहले हमारे इसमें भी आ गए होंगे, ठीक है। हम बट हमने उसके बावजूद हमने इन तीनों को ऐड कर दिया तो हमारा कितना आ रहा है 250 प्लस 325 कितने आ गए हमारे 325। अभी भी देख रहे हो इन दोनों में 75 का गैप है, इन दोनों में अभी भी 75 का गैप है, इसलिए हमने क्या किया, हमने सेफली क्या खेल लिया, हमने इसको हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया ताकि ये ऐसी दिक्कत ना हो। अभी भी देख लो 75 का गैप है, तो क्या करना है आपको, कैसे यूनिवर्सल माने कैसे यूनियन माने, तो आपको ये करना है हर बार जो आपको पहले डाटा देखना है जो ये हमारे जो डाटा है इन तीनों का ऐड करो, ठीक है, इन तीनों का ऐड करो। अगर ये इस जो आपको डाटा दे रखा है जिसको आपको पता करना है जो यूनिवर्सल होगा या फिर ए यूनियन वाला होगा, तो इन दोनों डाटा को इन तीनों डाटा को ऐड करो पहले और देखो क्या उसके आसपास जा रहे हैं, ठीक है। सेट्स में आपको क्या करना है, जो आपको पहले आपको दिमाग में खेलना पड़ेगा, ठीक है, सेट्स के आपको क्वेश्चन करने के लिए, तो आप क्या करो इन दोनों को ऐड करो, इसको भी ऐड कर लो या फिर पहले इन दोनों को ऐड करके देखो क्या इसके आसपास जा रहे हैं और इसको भी ऐड, इन तीनों को ऐड करने के बाद क्या इसके आसपास जा रहा है कहीं पर, तब हम क्या लेंगे इसको ए यूनियन ओ ले सकते हैं, ठीक है, ए यूनियन ओ ले सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ले लो, अगर आपको सेफली चलना है अगर आप चाहते हो जो आप ना फंसो तो आप हर बार यूनिवर्सल सेट ले लो, ठीक है, अगर आपको बता नहीं रखा ढंग से तो आप हर बार यूनिवर्सल सेट ले लो,
आपका फिर भी उससे काम बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 26 हो गया, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 27 आपसे क्या बोल रहा है। देर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, क्या है हमारा बता रखा है 200 इंडिविजुअल्स है हमारे क्या है स्किन डिसऑर्डर है। तो नंबर ऑफ पहले देख लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट बता ही रखा है यहाँ पर। C1 हमें क्या बता रखा है, इंडिविजुअल एक्सपोज टू ए केमिकल C1 हमारे किससे एक्सपोज है, एक्सपोज बाई केमिकल C1 है। C1 से एक्सपोज होने वाले को क्या दे रखा है, C1 पहले से दे रखा है। सेम C2 को क्या दे रखा है, एक्सपोज बाई केमिकल C2। केमिकल C1 से एक्सपोज होने वाले को C1 दे रखा है पहले से ही, और केमिकल C2 से एक्सपोज होने वाले को हमने क्या दे रखा है, C2 दे रखा है। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें कितने देर इंडिविजुअल दे रखे हैं, 200 इंडिविजुअल्स दे रखे हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आगे देखो 120 हमें कि C1 से प्रभावित होने वाले कितने दे रखे हैं, 120। C2 से प्रभावित होने वाले 50। उसके बाद बोथ यानी कि C1 इंटरसेक्शन C2 इससे प्रभावित होने वाले 30। अच्छा हम इन दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है 170। मान लेते हैं हमने क्या करा, इसको भी ऐड कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारा 200 आ गया। इस केस में हम इसको C1 यूनियन C2 मान सकते हैं। बट फिर से देखो इसमें क्या है, 30 है, 30 में से कुछ हमारे पहले इसमें भी आ गए होंगे C1 में, कुछ हमारे C2 में भी आ गए, तभी तो ये हमारा C1 C2 कॉमन है, यानी कि इन दोनों में से कॉमन लिया होगा हमने कुछ, तभी तो हमारा ये आया है। यानी कि हम क्या करेंगे, ऐसे देखो तो सिर्फ कितना आ रहा है, ऐड करके 170 आ रहा है, बट यहाँ पे हमारा क्या है 200 है। तो हम सेफली क्या जाएंगे, हम इसे यूनिवर्सल सेट मान लेंगे। हमने क्या मान लिया इसे यूनिवर्सल सेट का, कितना 200 एलिमेंट का। क्यों मान लिया, क्योंकि हमारा इन दोनों को ऐड करो तुम्हारा कितना आ रहा है 170 आ रहा है। ये 30 वाले को देखो तो 30 तो हमारा पहले ही इन दोनों में आ गया, क्योंकि क्या है ये हमारा C1 और C2 हमारा दोनों का कॉमन है, तो 30 तो हमारा पहले ही इसमें आ गया, ठीक है। तो हम चांस नहीं ले सकते, 170 है अभी भी, 30 का गैप है, देख रहे हो छोटे नंबर है बेशक, बट अभी भी इनके 30 का गैप है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यूनिवर्सल सेट मान के चलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया इसे यूनिवर्सल सेट, देखते हैं। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 हमें कितना दे रखा है, C1 हमें दे रखा है कितने एक्सपोज्ड हुए हैं 120। नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 कितना दे रखा है 50। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2 ये कितना दे रखा है 30। देखते हैं पहला क्वेश्चन बोल रखा है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, क्या है हमारा केमिकल C1 से होना चाहिए नॉट C2, इसका मतलब C1 में हो पर C2 में ना हो। क्या है केमिकल C1 बट नॉट C2, इसका मतलब C1 में हो पर C2 में ना हो। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या था, बचपन पहले से सीखते आ रहे हैं, पहले वाला हमारा एज इट इज हम लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन, तो C1 इंटरसेक्शन C2 ऐसा कुछ लिख देंगे। अब देख दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 हमारे पास कितना है 120 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2 हमारा 30 है, दोनों को कर दो सॉल्व कितना आ गया 90। यानी कि 90 लोग क्या है 90 पीपल एक्सपोज्ड बाय केमिकल C1 देयरफॉर 90 पीपल एक्सपोज्ड बाय केमिकल C1 बट नॉट C2। क्या बोला मैंने, 90 पीपल क्या है C1 से एक्सपोज्ड है बट C2 से एक्सपोज्ड नहीं है, ठीक है। ये तो आसान था, दूसरा देखते हैं, नोट कर लो इसे, पहले वाले को मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा दूसरे वाले में क्या बोल रखा है केमिकल C2 बट नॉट C1, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ही हमारे क्या हो C2 में हो पर C1 में ना हो। इसका भी फॉर्मूला क्या था, पहले वाला एज इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2, सारे वैल्यूज पुट करो हमारा 50 माइनस हमारा 30 कितना आ गया हमारा 20, ठीक है। अच्छा
तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, केमिकल C1 और C2 और आ रखा है बीच में, केमिकल C1 और आ रखा है, और का मतलब हमारा यूनियन और केमिकल C2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 यूनियन C2 हमें ये निकालना है। अच्छा इससे भी देख लो, हमसे पूछ रहा है यहाँ पर तीसरे पॉइंट पे, देखो C1 यूनियन C2 पूछ रहा है, इसका मतलब ये तो पक्का हो गया जो यहाँ पर ये हमारा C1 C2 नहीं दे रखा, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट ही है। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो हमारा क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 प्लस में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 हमारा 120 एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 हमारा 50 माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2 हमारा 30। सॉल्व कर दो कितना आ गया, 150 और 120, कितने आ गए हमारे 120, कुछ गलती हुई है, अच्छा 140, ठीक है, कितने आ गए हमारे 140, ठीक है, क्लियर। इसमें भी आप ऐसे लिख दो, यहाँ पर भी लिख देना, देयरफोर 20 पीपल, ठीक है। डेफिनेशन वाले क्वेश्चन में ये जरूर कोशिश करना, जो आखिरी में देयरफोर वगैरह लगा के जो आपका रिजल्ट आया उसको आप क्या कर दो, एक अलग से लिख दो ताकि एग्जामिनर को दिख जाए, 20 पीपल एक्सपोज्ड बाय C2 नॉट C1। उसी तरह इसमें क्या है, केमिकल C1 और C2 से एक्सपोज होने, यानी कि 140 पीपल एक्सपोज्ड बाय केमिकल C1 और C2, ठीक है। क्या हो गया आपका, केमिकल C1 और C2, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.6 वाले कुछ एग्जांपल्स थे, ये मैंने आपको करवाया, ठीक है। अब ये आपके एक्सरसाइज या आपके मिसलिनियस वाले के कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, वो मैं आपको करवा देता हूँ, नोट कर लो, इसे पॉज करके नोट कर लो, रब करते हैं इसे। तो कौन सा एग्जांपल था हमारा, अच्छा एग्जांपल नंबर 30, इससे पहले एक 28 है, 28 में आपसे क्या बोल रखा है, कैटरेक्ट और आपसे पूछ रहा है क्या दोनों ही हमारे सेम है, तो एलिमेंट हमारे क्या है, कैटरेक्ट, ठीक है। ये तो वैसे आसान है, और क्या दे रखा है हमें, TRACT, अच्छा इसमें से क्या करना है हमें, सेट्स में क्या होता है हमारे रिपीटेशन नहीं होता, तो हमारा सी एक बार आ जाएगा, फिर हमारा टी एक बार आ जाएगा, फिर हमारा ए आ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर हमारा टी आ जाएगा, देख लो, TTRRAACCTT, इसका मतलब क्या है, हमारे दोनों हमारे इक्वल हैं, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन, सबसेट्स निकालना है, तो ये तो आपको निकालना याद आती है, एग्जांपल नंबर 29 में सबसेट निकालने का क्या फॉर्मूला था, 2^2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2^2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2^2 कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 3, तो हमारे कितने सबसेट बनेंगे, 8, जिसमें से कि एक हमारे सबसेट कौन सा होगा, 5, बाकी 7 हमारे इनमें यही सारे होंगे, ठीक है, इनको घुमा घुमा के बनाना है। सबसेट्स अगर आपको नहीं निकालना आता तो इससे आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, शायद एक बार आप देख लेना, मुझे पक्का याद नहीं है कौन से लेक्चर में था, ठीक है, तो इसे मैं इरेज करता हूँ। देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 30, एग्जांपल नंबर 30 से मैं आपको बोल रखा है, आपको दे रखा है यहाँ पर, गिवन है, गिवन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, क्या करना है आपको, इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है, इम्प्लाइज का मतलब क्या है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इसका मतलब ये क्या है, हमें गिवन है और ये हमें टू प्रूफ करना है। अच्छा मैंने आपको पहले बताया था, अगर किसी भी दो सेट को अगर आपको इक्वल प्रूफ करना है, अगर आपको मान के चलो अगर आपको ए सेट को बी सेट के इक्वल प्रूफ करना है, तो पहले मैंने बताया था क्या क्या कैसे प्रूफ कर दें, पहले हमें ए को हमें क्या कर देना है, बी का सबसेट के बता देना है, हमें यह करना पड़ेगा जो ए हमारा क्या है, बी का सबसेट है, और साथ ही साथ यानी कि एंड हमें यह भी प्रूफ करना पड़ेगा बी हमारा ए का सबसेट है, ठीक है। अगर आपको ए और बी को इक्वल प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करोगे, पहले आपको प्रूफ करना है ए हमारा बी का सबसेट है और साथ ही साथ हमारा बी भी ए का सबसेट है, तब इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी हमारे इक्वल हो जाएंगे,
ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अच्छा ये तो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक एलिमेंट, लेट एक्स हमारा क्या है, बिलोंग्स टू ए। एक्स हमने क्या कर लिया, हमने एक्स को ए में बिलोंग कर लिया, कोई एक एलिमेंट हमने क्या उठा लिया जो हमारा ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एक्स हमारा ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स हमारा पक्का है, जो एक्स हमारा ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा। एक्स हमारा ए को अगर बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी मतलब क्या है, ए और बी को दोनों को मर्ज करके लिख दिया तो उसमें तो पक्का होगा ही होगा। ठीक है, हमें क्या किया मैंने, ए यूनियन बी हमारा ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है तो हम इसको क्या कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। हमने क्या कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी हमने लिख दिया। इसे मैं नोट, इसे मैं रब कर रहा हूँ, ये आप नोट कर लो। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल भी कर दिया। इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग हमारा ए को भी करेगा एंड साथ ही साथ एक्स हमारा किसको बिलोंग करेगा, बी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने, एक्स हमारा ए को भी बिलोंग करेगा, एक्स हमारा बी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अच्छा एक्स हमारा ए को भी बिलोंग कर रहा है और एक्स हमारा बी को भी बिलोंग कर रहा है, इस केस में हम बोल सकते हैं ए हमारा बी का सबसेट है। मैंने क्या बोला, एक एलिमेंट एक्स है, मान लो एक ए मैंने सेट बनाया एक्स है, ठीक है, और भी कुछ एलिमेंट होंगे होंगे बी, और हमने क्या प्रूफ कर दिया, एक्स हमारा बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो मान लो ये भी कुछ होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा ए के सारे एलिमेंट हमारे बी में है, एक्स हमारा बी में है, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, ए हमारा बी का सबसेट है। ठीक है, तो क्या प्रूफ हो गया, ए हमारा बी का सबसेट है। ठीक है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमने बी और ए, बी हमारा ए का सबसेट है ये भी प्रूफ करना है, तो करते हैं दोबारा लेट करते हैं। लेट कर लिया, इस बार हम मान लेते हैं वाई हमारा बिलोंग्स टू बी। क्या मान लिया हमने, वाई हमारा बी को बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब वाई अगर बी को बिलोंग कर रहा है, हाँ ठीक है, y हमारा अगर b को बिलोंग कर रहा है तो y हमारा a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा। y हमारा अगर एक एलिमेंट हमारा b में है तो y हमारा, हमने क्या कर दिया, a और b को मर्ज करके लिख दिया तो हमारा a यूनियन b में भी होगा। ठीक है, y हमारा किसको, a यूनियन b हमें क्या दे रखा है, ऊपर से a इंटरसेक्शन b के बराबर दे रखा है, इसको हमने a इंटरसेक्शन b लिख दिया। ठीक है, इसके हिसाब से क्या होगा, y हमारा चाहे a को बिलोंग करेगा एंड साथ ही साथ y हमारा क्या है, B को भी बिलोंग करेगा, Y हमारे A को भी बिलोंग करेगा, Y हमारा B को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो Y हमारे A को भी बिलोंग कर रहा है, Y हमारे B को भी बिलोंग कर रहा है, तो Y हमारे पहले B को भी बिलोंग कर रहा था, साथ ही साथ Y हमारा A को भी बिलोंग कर रहा है। अब Y हमारे पहले B को बिलोंग कर रहा था, Y हमारा साथ ही साथ A को भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं B हमारा A का सबसेट है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना एक बार, क्यों मैंने ऐसा लिख दिया, बिकॉज ये हमें गिवन है, A यूनियन B हमारा किसके इक्वल होता है, A इंटरसेक्शन B के दे रखा है, ये क्या है, ये सिंस का, ये सिंस का साइन है। ठीक है, सिंस या फिर बिकॉज बोल सकते हो, इस यहाँ पर भी सिंस A यूनियन B यहाँ पर गिवन है, किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन B के, तब हमने ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, अब तो हो गया प्रूफ, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, बाय इक्वेशन क्या हो गया, तो बैंड वगैरह रुक जाए। ठीक है, पीछे वाली गली में बैंड बज रहा है, शायद किसी का बर्थडे है तो आप थोड़ा बहुत देख लेना क्योंकि वो दोबारा हो सकता है बजाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, बाय इक्वेशन वन एंड टू हमारा पहले और दूसरे इक्वेशन की वजह से हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, क्या दे रखा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और क्या हमने प्रूफ कर दिया, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है, ए हमारा बी के इक्वल है, ए हमारा क्या है, बी के इक्वल है, हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया ए हमारा बी के इक्वल है। ठीक है, देखते हैं अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 31, एग्जांपल नंबर हमारा क्या है, 31 है, ये नोट कर लो। अच्छा 31 एग्जांपल पहले करने से पहले आपको मैं थोड़ा बहुत चीज, दो तीन बातें हैं जो आपको मैं रिमाइंडर कराना चाहता हूँ। ठीक है, एक सेट है मेरे पास, अगर मान लो एक सेट है मेरे पास ए कॉमा बी, अगर मैं इसका सबसेट लिखने की बात करूँ तो पहले हम गिन लेते कितने सबसेट होंगे, तो 2^n का फॉर्मूला होता है,
तो 2 raised to power 2 हमारे कितने एलिमेंट आ जाएंगे, कितने सबसेट आ जाएंगे, 4। बनाते हैं इसके सबसेट। पहले हमारा क्या है 5, एक सबसेट है 5, फिर हमारा एक एलिमेंट ए, फिर एक एलिमेंट हमारा बी, फिर एक एलिमेंट हमारा ए कॉमा बी। क्या हो गया हमारा ये सबसेट हो गया, ठीक है। अच्छा पावर सेट ऑफ ए हमारा क्या होता था, पावर सेट ऑफ ए हमारा क्या होता था, इस सबसेट का सेट, सबसेट के सेट को हम क्या बोलते थे, पावर सेट। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कुछ ये हो जाएगा, क्या हो गया हमारा, कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा अब देखो, मान लिया मैंने, लेट करा मैंने, क्या करा ये, इसको नहीं ऐसे कर लेते हैं, मैंने लेट करा एक एलिमेंट, मैं इसमें से उठा लेता हूँ लेट, ये मैंने ये कर लिया, क्या ये हमारा पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग कर रहा है, क्या मैं बोलूँगा ये जो हमारा एलिमेंट है ये हमारे पावर सेट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अच्छा अगर मैं यही एलिमेंट अगर मैं दोबारा पूछूँ और इस बार हमारा पावर सेट ना हो के हमारा अगर ए सिर्फ सेट हो, तो हमारा क्या है ये, हमारा ए सेट का क्या है, ये सबसेट है, ठीक है। अगर पावर सेट की बात आ रही है तो ये हमारा एलिमेंट क्या कर रहा है, हमारा पावर सेट ऑफ ए को हमारा क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। सिर्फ ए की बात आ रही है तो हमारा क्या है ये, ए का हमारा क्या है, ये सबसेट है, ठीक है। क्या है हमारा ए का, सबसेट है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इससे, लेट कर लेते हैं, लेट कुछ भी मान लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। मान लिया एक एक्स हमारा एक एलिमेंट है जो हमारा पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक्स हमारा क्या होगा, ए का हमारा सबसेट होगा एक्स, हमारा एक्स क्या होगा, ए का हमारा क्या होगा, सबसेट होगा। इसी तरह से कैसे, इसी तरह से मान लिया पहले हमारा एक एलिमेंट है जो पावर सेट ऑफ ए को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। फिर यही एलिमेंट हमारा क्या होगा, हमारे ए उस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, इसी बात को ध्यान रखते हुए हम ये वाला हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए ये वाले को हम प्रूफ करेंगे। मैं मिटा देता हूँ इसे, नोट करना है नोट कर लो, क्योंकि आपको आगे चलोगे तो ये भूल जाओगे, फिर इसे एक बार आप नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर कोई सेट लेट कर लेते हैं, अगर कोई सेट हमारा क्या है, एक्स हमारा ए को पावर सेट ए को बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, एक्स हमारा ए का सबसेट होगा। ये हमारा क्या है, मान लिया हमारा क्या है, मतलब ये, मतलब याद कर लो, क्या बताऊँ, थ्योरी थ्योरम वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, एक तरह से बोल सकते हैं, हमने क्या करा, हमने ऑब्जर्व करके देखा है, ठीक है। देखते हैं हमारा क्या है प्रूफ। अच्छा अच्छा एक, अच्छा एक चीज़ बताओ, ये ऐसा हो गया। अच्छा इसका मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं, अगर एक्स हमारा ए का सबसेट है तो एक्स हमारा पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग भी करेगा, हम ये भी बोल सकते हैं। तो क्या हो गया ये, वाई से वर्सा, क्या है, अगर एक्स हमारा पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स हमारा ए का सबसेट होगा, अगर एक्स हमारा सबसेट ऑफ ए होगा तो उस केस में हमारा एक्स क्या करेगा, पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अच्छा अब देख लेते हैं हमारा प्रूफ, प्रूफ हमें क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर आपका है 31, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, हमारा होगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। अच्छा यहाँ पर हमारा फिर से इक्वल है, क्या तरीका था, पहले हमें ए को बी के सबसेट को प्रूफ करना है, बी हमारा ए के सबसेट को इक्वल प्रूफ करना है, तो इस केस में हमारा क्या जाएगा, ए हमारा बी के इक्वल है, तो हम क्या प्रूफ करेंगे, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा सबसेट है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी हमारा क्या है, सबसेट है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए हमारा पावर सेट ऑफ बी के, सॉरी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, करते हैं फिर। अच्छा चलो लेट करते हैं, पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं। एक्स हमारा एक एलिमेंट है जो हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। एक्स हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है, एक हमने क्या मान लिया, एक ऐसा हमने एलिमेंट मान लिया, ठीक है। अच्छा
अगर एक्स ए हमारा ए इंटरसेक्शन बी को कर रहा है, अच्छा ये नोट कर लो, तो मैं मिटा रहा हूँ इसे भी, ठीक है, आई होप नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। एक्स क्या है, हमारा ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स हमारा किसको बिलोंग करेगा, ए को भी बिलोंग करेगा, साथ ही साथ हमारा एक्स किसको बिलोंग करेगा, बी को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है, एक्स हमारा ए को भी बिलोंग करेगा, एक्स हमारा बी को भी बिलोंग करेगा, ठीक है, एक्स हमारा ए को भी बिलोंग करेगा। अच्छा, एक्स अगर हमारा ए को बिलोंग करेगा तो एक्स हमारा सबसेट ऑफ ए होगा, हजम करो पहले इस बात को, एक्स क्या होगा हमारा सबसेट ऑफ ए होगा, सॉरी ये, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर कुछ, ये नहीं ये छोड़ दो, ठीक है, लेट कर लेते हैं पहले, फिर से लेट करते हैं हम इस तरफ, ये हमारा ए यूनिट ए इंटरसेक्शन बी था, मैंने पावर सेट लगाने भूल गया, लेट कर रहे थे, हमारा एक एक्स एलिमेंट है बिलोंग्स कर रहा है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखो ढंग से, लेट एक्स कर लेते हैं, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एक्स हमारा सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का, एक्स हमारा क्या होगा सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का, क्यों अभी मैंने लिखवाया था समझाया था, इसके हिसाब से एक्स हमारा ए को भी बिलोंग करेगा, साथ ही साथ एंड एक्स हमारा बी को भी बिलोंग करेगा, एक्स हमारा ए को भी बिलोंग करेगा, एक्स हमारा बी को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, क्या बताया था मैंने, अगर एक्स हमारा ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स हमारा सबसेट होगा, सॉरी एक्स हमारा अगर पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स हमारा सबसेट होगा ए का, सेम एक्स हमारा अगर ए को बिलोंग सबसेट होगा ए का तो एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए को, लिख देते हैं इसे ध्यान में रखते हुए करेंगे, ठीक है। अच्छा एक्स अगर हमारा ए का सबसेट है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स हमारा बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए को, दिमाग में इसको विजुलाइज करना शुरू कर दो, अगर आपको प्रूफ करना है तो दिमाग में क्या करो, विजुलाइज करना प्रूफ शुरू करो, ठीक है। साथ ही साथ एक्स हमारा क्या बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ बी को भी बिलोंग करेगा, क्या मैंने बोल दिया, एक्स हमारा पावर सेट ऑफ ए को भी बिलोंग करेगा, एक्स हमारा पावर सेट ऑफ बी को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। हमारे बीच में क्या है, एंड है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स हमारा किसको बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन में पावर सेट ऑफ बी, एक्स हमारा क्या हो गया पावर सेट ऑफ ए को भी बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी को भी बिलोंग कर रहा है, इसे भूल जाओ इस वाले को भी भूल जाओ, अब इस वाले को देखो, एंड का हमने क्या कर दिया, इंटरसेक्शन लगता है, कोई यहाँ पर तक दिक्कत नहीं है। एक्स अगर हमारे पावर सेट ऑफ ए को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स हमारा पावर सेट ऑफ बी को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो हम ऐसा तो बोल ही सकते हैं, एक्स हमारा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी को भी बिलोंग कर रहा है, या अगर ऐसे देख लो, एक्स हमारा एक एलिमेंट है हमारा पी को बिलोंग कर रहा है, और साथ ही साथ एक्स हमारा एक एलिमेंट है क्यू को बिलोंग कर रहे हैं, तो ऐसा तो हम बोल ही सकते हैं ना, एक्स हमारा पी इंटरसेक्शन क्यू को बिलोंग करेगा, ठीक है, तो हमने वही मैंने बोल दिया। अच्छा अब इस वाली लाइन को दोबारा देखो, एक्स हमारा पावर सेट ऑफ ए का क्या है, एक एलिमेंट है, एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए को, तब हमारा क्या है, एक्स हमारा ए का सबसेट हो जाएगा, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हमारा सबसेट हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन में पावर सेट ऑफ बी, एक्स हमारा क्या हो गया सबसेट हो गया पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। ये हमने एक तरफ का प्रूफ कर दिया, क्या हमें प्रूफ करना था, एक्स हमने प्रूफ कर दिया ये हमारा इसका सबसेट है, क्या प्रूफ कर दिया, ये हमारा इसका सबसेट है। अच्छा एक्स हमारा किसको बिलोंग किया था, हमारा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है, सबसेट है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, क्यों, क्योंकि हमने माना था एक्स हमारा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है, या फिर ऐसे देख लो, हमने माना था एक्स हमारा इसका क्या है सबसेट है, अगर एक्स हमारा इसका सबसेट है तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, एक्स अगर हमारा इसको बिलोंग कर रहा है, या इसको ही देख लो, एक्स अगर हमारा इसको बिलोंग कर रहा है तो हम इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। अच्छा अब हम उल्टी तरफ से प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं उल्टी तरफ से हम प्रूफ करते हैं, ठीक है, मैं मिटा दूँ इसको, आप इसे नोट कर लो, ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ, इतना नोट करो, ठीक है। हमने एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया था, क्या प्रूफ कर दिया था, ये हमारा इसका सबसेट है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है।
अब हम किसको करते हैं, आरएचएस वाले को हम उठाते हैं, आरएचएस वाले को दोबारा लेट करते हैं। वाई क्या है हमारा, बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन में पावर सेट ऑफ बी। क्या करा मैंने, वाई को एक एलिमेंट मैंने उठा लिया जो हमारा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कोई यहाँ तक दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से हम बोल सकते हैं यानी कि वाई हमारा पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग कर रहा है एंड वाई हमारा पावर सेट ऑफ बी को बिलोंग कर रहा है। वाई हमारा क्या कर रहा है, पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग कर रहा है, वही है, इंटरसेक्शन की जगह मैंने एंड लिख दिया, बात हमारी सेम है, ठीक है। अच्छा, वाई अगर पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या है, वाई हमारा ए का सबसेट होगा, ठीक है, साथ में एंड अगर ऐसा है ये वाई भी हमारा क्या होगा, बी का सबसेट होगा। क्यों, यहाँ से देख लो, अभी करवाया क्या है, वाई हमारा ए का सबसेट है, वाई हमारा बी का भी सबसेट है, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसे हम क्या बोल सकते हैं, वाई हमारा क्या है, सबसेट होगा ए और बी, और बीच में क्या है हमारा एंड है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं वाई हमारा सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। वाई हमारा क्या है, सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है, ये हमने बोल दिया। अच्छा, इस वाले को देखो, इस वाले डब्बे को, अगर x हमारा a का क्या है, सबसेट है, तो इस केस में हम लिख सकते हैं x हमारा बिलोंग करेगा किसको, पावर सेट ऑफ a को, तो हम इसको लिख सकते हैं, तो y हमारा किसको बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b को हमारा y बिलोंग करेगा, ठीक है। इतना हमने प्रूफ कर दिया, अब देख लेते हैं इससे हमारा क्या प्रूफ हो गया, इससे हमारा क्या प्रूफ हो गया, ये देख लो, इससे हमारा क्या प्रूफ हो गया, देयरफॉर पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन में पावर सेट ऑफ b हमारा क्या होगा, सबसेट होगा किसका, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन में पावर सेट ऑफ बी। आप में से कई लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या लिख रहा है बार बार ये, यहाँ से उठा के ये डायरेक्ट कैसे लिख दे रहा है वाई की जगह पे, पागल हो रखेगा ये, तो पागल तो मैं वैसे तो हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। हम क्या, हमने क्या माना था, वाई हमारा बिलोंग कर रहा है इस सेट को, वाई हमारा इस सेट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मानते हुए चल रहा हूँ ये हमारा इसके इक्वल है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, या फिर ऐसे बोल देख लो, हमने एक लेट करा है जब वाई हमारा इसको बिलोंग कर रहा है, तो इस केस में क्या हमने प्रूफ कर दिया, वाई हमारा इसको भी बिलोंग कर रहा है, ऐसे देख लो, वाई हमारा इसको बिलोंग कर रहा है, पहले एक वाई हमारा एक एलिमेंट है, अगर मान लो मैं ये लिख रहा हूँ वाई हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, वाई हमारा बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ ए हमारा बी का सबसेट है, या फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ बी हमारा ए का सबसेट है, बोल सकता हूँ ना, क्योंकि y हमारा a में बिलोंग कर रहा है, अगर जैसे a अगर सेट में ऐसे बनाऊँ 1 2 ऐसे ऐसे करते करते मान लो, या फिर सिर्फ y का एक सेट बना देते हैं, ज़्यादा आसान होगा, एक y का मैंने सेट बना दिया, एक a, एक सेट मैंने b बना दिया, ठीक है, मानते हुए चलते कुछ और एलिमेंट होंगे बट हमने नहीं लिया, इस केस में क्या a हमारा b का सबसेट नहीं है, a हमारा b का सबसेट नहीं है, वही मैंने करा, y को मैंने पहले इसमें दिखा दिया जो y हमारा इसको बिलोंग कर रहा है, मैंने मान लिया, और हमने प्रूफ करते करते हमने ये भी निकाल दिया जो y हमारा इसको भी बिलोंग कर रहा है, y हमारा इसको भी बिलोंग कर रहा है, करते करते हमने ये भी प्रूफ कर दिया जो y हमारा इसको भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इसका हमारा क्या है, सबसेट है, यही तो हम यहाँ पर भी कर रहे हैं अभी, a और b है हमारा, तो इससे हमने क्या प्रूफ करा, a हमारा क्या है, b का सबसेट है, a हमारा क्या है, b का सबसेट है, वही हम यहाँ पर भी प्रूफ कर रहे हैं, वही हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, अगर y हमारा इसको बिलोंग कर रहा है तो y हमारा इसको भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b हमारा क्या है, सबसेट होगा पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का, ये हमने प्रूफ कर दिया। चलो ढंग से देखो, ये तो आ गया हमारा आंसर, क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया, ये हम इसे दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, पहले वाले हम इसको पहला वाला मान लेते हैं, क्या था पहला वाला, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन में पावर सेट ऑफ बी, इसका क्या था, सबसेट है, इसको हमने पहला वाला इक्वेशन हमने मान लिया, पिछली बार मानना भूल गए, इंसान है भाई, ठीक है। क्या हम लिखेंगे, बाय इक्वेशन क्या प्रूफ कर दिया हमने, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये तो इक्वल हो गए, इसका मतलब बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये हम कह सकते हैं पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन में आपका पावर सेट ऑफ बी, ये हम बोल सकते हैं जो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा आपके इक्वल होगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन में पावर सेट ऑफ बी, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो क्या कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है,
वैसे मुझे दो क्वेश्चन अभी और करवाने, मैं वो दो क्वेश्चन करवा ही देता हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया प्रूफ, इसे क्या करते हैं, रब करते हैं, नोट कर लो, इसे पॉज करके नोट कर लो, रब करते हैं इसे। ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल 31, एग्जाम्पल 31। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल 32वां एग्जाम्पल, ठीक है, 32वां एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 32, एग्जाम्पल नंबर 32 में आपसे कह रहा है, अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स। क्या है हमारे 1000 कंज्यूमर्स हैं, हमें इसमें फिर से हमें या चलो पहले एक मान ही लेते हैं, ए हमें क्या दे रखा है, ए हमें दे रखा है प्रोडक्ट ए, ए मतलब दे रखा है कंज्यूम, क्या ए दे रखा है पीपल कंज्यूम प्रोडक्ट ए, पीपल क्या कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट ए। अच्छा बी वाले को हमने क्या मान लिया, प्रोडक्ट पीपल कंज्यूम ऐसा आएगा यहाँ पर, पीपल कंज्यूम्स प्रोडक्ट बी, हमने ये मान लिया। अच्छा दोबारा क्वेश्चन में देखो, बता रखा है एक सर्वे हुआ 1000 लोगों का, जिसमें से 720 लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं, 450 लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट बी को यूज़ करते हैं, मतलब पसंद या फिर यूज़ बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है लीस्ट नंबर दैट लाइक बोथ प्रोडक्ट्स, लीस्ट नंबर ऑफ पीपल्स पूछ रहा है जो दोनों को पसंद करे। अच्छा अब यहाँ पर देखो, मान लेंगे हम ये हमारा ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमारा यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है 720, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमारा कितना दे रखा है 450। अब हमें 1000 के ऊपर देखो, अब हमें 1000 को देखना है, जो 1000 को हम क्या करें, इसको हम यूनिवर्सल माने या फिर हम इसको ए यूनियन बी मान ले, इन दोनों में से हम किसको मान ले। अच्छा दोनों को यहाँ पर ऐड करो, कितना आ रहा है ये 1170 आ रहे हैं टोटल, कितने लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं 1170 लोग, बट ए यूनियन बी में हमारा कितना आ रहा है 1000 लोग। इस केस में तो हम ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हमारा तो ए यूनियन बी से बड़ा ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए और बी हमारे क्या है बड़ा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, यहीं से देख लो 1000 लोग तो हमारे ए और बी का हैं ही, इसमें हमारे कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं 170 लोग हमारे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया हमारे 170 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है 170 लोग क्या करेंगे ए वाले प्रोडक्ट को भी यूज़ करेंगे बी वाले प्रोडक्ट को भी यूज़ करेंगे। कौन से 170 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 170 वही आ रहे हैं ना जो ए और बी दोनों को यूज़ करने वाले होंगे, 1000 तो जैसे इसमें से 720 हैं, इसमें से 450 है, यानी कि इसमें से कुछ नंबर होंगे जो बी को, ए वाले में से कुछ नंबर होंगे जो बी को भी यूज़ कर रहे होंगे, इस वाले में से कुछ नंबर होंगे जो ए को भी यूज़ कर रहे होंगे, ये तो हमारा कन्फर्म है। क्यों कन्फर्म है, क्योंकि ऐड करने पर देखो ये तो 1000 से ऊपर जा रहा है, 1000 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है ए वाले ग्रुप में पक्का कोई ऐसा आदमी होंगे या फिर आदमी होंगे जो बी वाले प्रोडक्ट को भी यूज़ करते होंगे, बी वाले ग्रुप में भी ऐसे आदमी होंगे जो ए वाले प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो हमारा कितना आ रहा है 1170, टोटल लोग हमारे कितने थे 1000, हमारे यहाँ पर लोग कितने आ रहे हैं 1170, इसका मतलब 170 लोग हमने क्या कर दिया 1170 में से हमने 1000 घटा दिया, यानी कि 170 लोग हमारे ऐसे हैं जो ए और बी को दोनों को यूज़ कर रहे हैं, ए एंड बी को क्या कर रहे हैं दोनों को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कितने आ गए हमारे 170 लोग। अच्छा ये तो हमारा हो गया, हमने इसे ऐसे निकाल दिया। अच्छा अब बुक के डेफिनेशन निकाल दे, ठीक है, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं ए यूनियन बी, क्या बोल सकते हैं इसे हम ए यूनियन बी, कितने थे 720, 450, ये हमारे 720, ये हमारे 450, इसका मतलब हम अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी हमारे पास कितने हैं 1000। पूछा क्या है आपसे, वट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट लाइक प्रोडक्ट बोथ प्रोडक्ट्स, लीस्ट नंबर आपसे पूछ रहा है, लीस्ट नंबर आपसे पूछ रहा है जो क्या करते हैं बोथ प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। एक काम करो लीस्ट नंबर को गोली मार दो, लीस्ट नंबर क्या है अगर ये निकाल लो, पहले एक बार निकाल लो फिर मैं बताता हूँ लीस्ट नंबर क्यों क्या है। निकालते हैं बोथ प्रोडक्ट बोला है, बोथ प्रोडक्ट का मतलब इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि हमारा फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। एक चीज़ दोबारा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मैंने क्या करा है, ये मैंने यहाँ पे कंफर्म हुआ, ये क्या है हमारा एक रिस्क फैक्टर है, ये हमने क्या है एक रिस्क लिया है। ये क्यों रिस्क लिया है, क्योंकि हम कंफर्म है, क्योंकि हमारे ये 450 लोग है, ये 720 लोग है, ये 1000 से ज़्यादा जा रहे हैं,
इसलिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पर रिस्क ले लिया क्योंकि हमें पता है, क्योंकि 1000 लोग इसमें अगर दे रखे हैं तो इसका मतलब ये ए यूनियन बी ही होगा, ठीक है, ये हमारा रिस्क है। अगर आपको चाहते हो अगर आप रिस्क ना लो तो इसको हम क्या मानते हैं, यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, हम यूनिवर्सल सेट मान लेते। बुक में कैसे दे रखा है, बुक में भी आपको क्या कर रखा है, यूनिवर्सल सेट ही आपको इसको मांग रखा है, ठीक है, बट हम तो इसको मानते हुए चल रहे क्योंकि हमारा तो वेरीफाई है जो यूनिवर्सल भी होगा, और साथ ही साथ इस केस में हमारा क्या है, ये ए यूनियन बी हमारा यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। इस केस में हमारा ए यूनियन बी हमारा यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, डालो वैल्यू, ये हमारा 1000, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 720, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 450, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। इसको इधर ले जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना आ गया, ऐड कर दो, कितना आया था 1170 माइनस में 1000, 1000 आ गया, कितना आ गया हमारा 170, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना आ गया 170। 170 तो वो लोग हैं, हमने क्या करा था यहाँ पर, हमने डायरेक्ट 1170 में से 1000 लोग हमने घटा दिया था, तो हमारा कितना आ गया था 170 आ गया था। तो हमने क्या करा है, हमने इस 1000 प्लस में 170, तो हमने क्या करा है, हमने ये मान लिया जो इस ये प्रोडक्ट ए भी यूज़ करते होंगे, प्रोडक्ट बी भी यूज़ करते होंगे, हमने तो ये माना है ना, बट इस वाले में भी तो हमारे प्रोडक्ट कुछ ऐसे बंदे होंगे जो प्रोडक्ट ए को भी यूज़ करते होंगे, प्रोडक्ट बी को भी यूज़ करते होंगे, ये हमें ढंग से नहीं बता रखा है, ये हमसे ढंग से क्वेश्चन में हमें बताया नहीं है ढंग से, बट इस 1000 वाले बंदे में भी तो होंगे कुछ ए को भी यूज़ करते होंगे, कुछ बी को भी यूज़ करते होंगे, हमने क्या करा है, इन दोनों को हमने ऐड करके लिखा है ना, यानी कि इस 720 में से भी कुछ एक्स्ट्रा लोग ऐसे होंगे जो ए और बी दोनों को यूज़ करते होंगे, 450 लोग में से भी ऐसे होंगे, तो हमने क्या करा, दोनों को हमने ऐड कर दिया, जो हमारे डाटा हमारे पास गिवन था उसके हिसाब से तो 170 लोग हैं, 170 लोग क्या हैं, कम से कम 170 लोग हैं ए और बी को यूज़ करते हैं, बट इस 1000 में भी तो कुछ लोग होंगे जो ए और बी को यूज़ करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हमसे क्या पूछा है, लीस्ट पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन में क्या आएगा, लीस्ट वाला पूछेगा। अगर सिर्फ बोल दे जो सिर्फ बोथ ए एंड बी यूज़ करने वाले, अगर इस क्वेश्चन में लीस्ट हटा के सिर्फ बोल दे बोथ ए एंड बी यूज़ करने वाले, बोथ ए एंड बी प्रोडक्ट यूज़ करने वाले, तो ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास सफिशियंट डाटा ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, हमारे लिए सफिशियंट डाटा ही नहीं है, तो ये इसलिए लीस्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, इसलिए लीस्ट दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर, क्या क्या पूछा था वैसे क्वेश्चन में, लीस्ट नंबर हो देयरफॉर 17, फिर ऐसे लिख दो देयरफॉर लीस्ट नंबर ऑफ पीपल लाइक, या फिर क्या है, कंज्यूम बोथ प्रोडक्ट ए एंड बी, क्या है हमारे कितने प्रोडक्ट हैं, नंबर ऑफ पीपल, ये ऐसे लिखो, नंबर ऑफ पीपल इक्वल्स टू 170 विच कंज्यूम्स बोथ ए एंड बी, ठीक है, ये हमारा हो गया एग्जांपल नंबर 32, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एग्जांपल नंबर 32। इस केस में हमारा क्या है, ए यूनियन बी हमारा यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, इस बुक में भी देख लो यही शायद ऐसे ही दे रखा होगा, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन बी सेट यूनियन बी, क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इंटरसेक्शन टी दे रखा है, देख रहे हो बात हमारी वहीं पे आ गई, क्यों बात हमारी वहाँ पे आ गई, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट यूनियन टी हमारे यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, इसलिए हमारा क्या है, इक्वल है, ठीक है, ये हमारा आ गया एग्जाम्पल नंबर 32, इसे मैं रब कर रहा हूँ, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 33, इसे नोट कर लो, एग्जाम्पल नंबर 33 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 33, एग्जाम्पल नंबर 33 में आपसे बोल रहा है आउट ऑफ 500 कार ओन्स इन्वेस्टिगेटेड 400 कार ए एंड 200 ओन्ड बी 50 ओन्ड बोथ ए एंड बी, पूछ रहा है क्या ये डाटा सही है, ठीक है देखते हैं क्या बोलेंगे, इसमें क्या दे रखा है 500 कार है, अब इसको हम छोड़ देते हैं कि उसके बारे में कंफर्म नहीं है, ए तो हमें वैसे दे ही रखा है तो इसमें एंजूम करने की जरूरत नहीं है, तो ए ने कितने ए ने खरीदे कार, ए कितने मतलब कार ए है, ये क्या है, क्या ए हमारा कार है, तो कितने हमें खरीदे हैं 400 कार ए खरीद चुके हैं,
ये हमारा कार ए है, और फिर कार बी हमारे कितने खरीद चुके हैं, ये हमारे 200 खरीद चुके हैं। अच्छा, ए एंड बी दोनों बता रखा है, कार यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हमें बता रखा है, ए एंड बी बोथ कितने बता रखे हैं, 50 बता रखे हैं। अच्छा, दोनों को ऐड करो, यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 600 आ रहा है। बट यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में कितना दे रखा है नंबर, या तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा 500, या तो हमारा ए यूनियन बी होगा 500। ट्रिक मैंने बताई थी, दोनों को ए और बी को ऐड करके देखो, ए और बी को ऐड करो, जो हमें नंबर है उससे ज़्यादा आ रहा है ये, तो हम इस केस में हम क्या मान सकते हैं, इसे हम ए यूनियन बी मान सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या मान लेते हैं, ए यूनियन बी मान लेते हैं। डालो फॉर्मूला, फॉर्मूला आपके पास है ही, वेरीफाई करना है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वैल्यू सारी पुट कर दो, कितना आ गया था हमारा, वो 500 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमारा कितना दे रखा है, ये 400 दे रखा है, ये हमें 200 दे रखा है, ये हमें 50 दे रखा है। देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है, 600 माइनस 50 हमारा ये 500 किसके बराबर आ गया, 550 के इक्वल आ गया। क्या कभी ऐसा हो सकता है, 500 इधर हमारा 500 आ रहा है, इधर हमारा 550 आ रहा है, नहीं। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर दिस गिवन डाटा इज फॉल्स। क्या है हमारा ये गिवन डाटा, क्या है हमारा, फॉल्स है। क्यों, 500 550 के इक्वल आ गया, ऐसा कभी हुआ है, एक हमारा 2 के इक्वल है या फिर एक हमारे 11 के इक्वल है, नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए क्या है हमारा ये डाटा हमारा फॉल्स है। ठीक है, नोट कर लो इसे पॉज करके। अच्छा, आप में से कई बोलोगे जो हम ए यूनियन बी अगर ऐसे लेके चल रहे हैं, अगर हम एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो ये गलत कर देगा, नहीं करेगा, क्यों गलत करेगा। क्वेश्चन में अगर आप देखो ढंग से, तो बुक में पहले आपको यूनिवर्सल सेट बता रखा है, बट आगे चल के वो ए यूनियन बी की तरह उसे यूज़ कर रहे हैं। जो एलिमेंट अगर आपको यूनिवर्सल सेट की तरह लेके चल रहा है, वो आगे चल के क्या कर रहा है, यूनिवर्सल सेट जिसको मान रहा है, वो आगे चल के ए यूनियन बी की तरह उसे यूज़ कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर, आखिरी एग्जाम्पल एक है ये, इसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 34 34 में आपसे क्या बोल रहा है, एक कॉलेज है, आप सभी तो स्कूल में जाते होंगे, अभी सारे स्कूल के ही बंदे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 34 में क्या बोल रहा है, एक कॉलेज है जिसमें फुटबॉल के लिए क्या अवार्ड कर, कितने मेडल अवार्ड हुए हैं, 38, 15 बास्केटबॉल के लिए, 20 क्रिकेट के लिए। ठीक है, पहले लेट कर लेते हैं, क्या है, फुटबॉल के लिए, हम फुटबॉल के लिए एफ मान लेते हैं, लेट एफ बी दी अवार्ड, लेट एट या फिर अवॉर्डेड लिख देते डायरेक्ट, लेट एफ बी दी अवॉर्डेड, अवार्ड नहीं, क्या है ये, मेडल्स हैं, लेट एफ बी दी मेडल्स अवॉर्डेड फॉर फुटबॉल। हमने क्या कर दिया, हमने लेट कर लिया, क्योंकि हम 12 फुटबॉल थोड़ी लिखेंगे, इसलिए हमने एफ मान लिया। इसी तरह से लेट कर लेते हैं, क्या है हमारा दूसरा, बास्केटबॉल, इसे हम बी मान लेते हैं, हमारा ये सेम होगा, बी द मेडल्स अवॉर्डेड फॉर किसके लिए, बास्केटबॉल। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, लेट कर लेते हैं, तीसरा स्पोर्ट्स क्या है, क्रिकेट के लिए हम सी मान लेते हैं, हमारा क्या होगा ये, क्रिकेट। ठीक है, अब डाटा देखो, डाटा क्या क्या दे रखा है इसमें, पहले आपको दे रखा है कॉलेज में कितने मेडल्स मिले फुटबॉल के लिए, नंबर ऑफ मेडल्स फॉर फुटबॉल कितना दे रखा है, 38, नंबर ऑफ मेडल्स कितने दे रखे हैं उसके लिए बास्केटबॉल के लिए, 15, क्रिकेट के लिए 20। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन में, इफ दीज मेडल वेंट टू अ टोटल 58 मैन ओनली, क्या है, 38 लोगों को दिया गया ये मेडल। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, तीन सेट्स वाले वेन डायग्राम का मैंने लेक्चर एक शूट किया था। ठीक है, वो आप मेरे चैनल पर पढ़ा होगा, थंबनेल में शायद लिखा होगा, तो आप देख लेना,
ठीक है, वो आप पहले देख के आ जाओगे तो ये काम फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। इसमें बड़ा कर दो, एक सेट है मेरे पास, उस सेट में क्या करा मैंने, तीन में हमारे वेन डायग्राम है, ठीक है, हमारा ये फुटबॉल के लिए F, ये हमारा बॉल के लिए, ये सॉरी बास्केटबॉल के लिए B, ये हमारा C, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इफ दिस मेडल वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन ओनली, 58 मैन, क्या बोला है, 58 आदमियों को दिया गया। अच्छा, एक मेडल एक आदमी को यहाँ पर दिया जा रहा है ऐसा मानते हुए चल रहे, सॉरी नहीं ऐसा नहीं मान रहे, क्या यहाँ पर 58 लोगों को दिया गया, 58 लोगों को टोटल जो मेडल है वो 58 लोगों को दिया गया। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ यूनियन में, सॉरी क्या है, 58 लोगों को, यानी कि यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ यूनियन में हमारा सी, क्या करा है, 58 लोगों के लिए दिया है, तो 58 लोग हमारे कौन से हो गए, फुटबॉल खेलने वाले भी, यूनियन हमारे बास्केटबॉल खेलने वाले भी और हमारे क्रिकेट खेलने वाले भी, उन सभी को अवार्ड गया। ऐसा थोड़ी कोई ऑडियंस में से बैठ गया उठ के उसको अवार्ड दे दिया, हाँ भाई उठ जा अवार्ड ले ले, ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है। हमारे क्या है, कितने दे रखे हैं, 58। अच्छा, इसमें बोल रखा है एंड ओनली 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, इन तीनों स्पोर्ट्स में कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों को सिर्फ मिला है, यानी कि ऑल द थ्री स्पोर्ट्स का मतलब उसे फुटबॉल में भी मिला है, उसे बास्केटबॉल में भी मिला है, उसे क्रिकेट में भी मिला है, अगर कोई बंदा है उसे फुटबॉल में भी मिला है, बास्केटबॉल में भी मिला है, क्रिकेट में भी मिला है, तो यानी कि 3 पहले क्या थे, 58 लोग वही थे जो फुटबॉल जिन्होंने भी खेला, जिन्होंने बास्केटबॉल भी खेला होगा, जिन्होंने क्रिकेट भी खेला होगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से हाउ मेनी रिसीव्स मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स, अब आपसे पूछ रहा है कितने लोग थे जिन्होंने इन तीनों स्पोर्ट्स में से 2 स्पोर्ट्स में खेला था। अच्छा, 2 स्पोर्ट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे वेन डायग्राम से देखते हैं, हमारा फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, 2 स्पोर्ट्स मतलब या तो उन्होंने क्या था हमारा फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेला होगा, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन, ठीक है, या फिर उन्होंने फुटबॉल और ये क्या बोलते हैं क्रिकेट खेला होगा, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, या फिर उन्होंने क्रिकेट और बास्केटबॉल खेला होगा, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन। कहने का मतलब क्या है, हमें ये पूरा डाटा निकालना है, हमें इंटरसेक्शन वाले निकालने हैं, क्या निकालना है हमें यहाँ से, यानी कि हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन, या फिर जैसे 2 स्पोर्ट्स खेले हैं, या तो उन्होंने फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल में मिला होगा, सिर्फ 2 स्पोर्ट्स बता रखे हैं, ये नहीं पूछा फुटबॉल और बास्केटबॉल में, या तो उसे फुटबॉल और बास्केटबॉल में मिलेगा, या फिर उसे फुटबॉल और क्रिकेट में मिलेगा, या फिर उसे क्रिकेट और बास्केटबॉल में मिल जाएगा, क्रिकेट और बास्केटबॉल में, क्या है यही हमारे दो दो स्पोर्ट्स से दो दो स्पोर्ट्स का पेयर बन सकता है, या तो उसे इसमें मिलेगा, या तो उन्हें इसमें मिल जाएगा, या तो उसे इसमें मिल जाएगा, यही तो होंगे, ठीक है। और का मतलब हमारा क्या था, एडिशन, हम यहाँ पे और की जगह प्लस कर देते हैं, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा। अब हमें ये निकालना है, ठीक है, हमें ये निकालना है, कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, उसके लिए आप वो क्या बोलते हैं वेन डायग्राम का, जो 3 सेट्स का वेन डायग्राम था वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ, फॉर्मूला हमारा ये था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, हमारा यहाँ पर क्या है, एफ यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे, कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पहले हमारा एफ फुटबॉल वाले में, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बास्केटबॉल, प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रिकेट, ठीक है। क्या करा हमने, इन तीनों सेट्स को हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसमें से हमें क्या करना है, माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन, हमें ये वाला बीच वाला, अब ये वाला घटाना है, ये वाला हमें घटाना है, क्यों, क्योंकि एफ यूनियन बी यूनियन सी है, तो हमारा कितनी बार आएगा, ये हमारा एक ही बार आएगा, हमारा ये एक ही बार आएगा, तो हमें क्या करना है, हमें बीच वाला घटाना है, हमारा एक ही बार तो आना चाहिए, एक हमारा इसकी वजह से आया था, एक हमारा इसकी वजह से आया था, बट ये हमारा एक ही बार आना चाहिए, तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसे घटा देंगे, एफ इंटरसेक्शन भी एक बार घटेगा माइनस में, फिर हमारा इसकी वजह से और इसकी वजह से हमारा ये क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है, पहले तो ये बी इंटरसेक्शन सी है, इसकी वजह से एक बार ये शेड हुआ था, इसकी वजह से एक बार ये शेड हुआ था, तो हमारा एक बार माइनस कर देना है बी इंटरसेक्शन सी, इसी तरह हमारा तीसरा वाला भी माइनस में, नंबर ऑफ एलिमेंट तीसरा वाला क्या है, F इंटरसेक्शन C, क्योंकि एक बार हमारा इसकी वजह से ये वाला कलर हो गया था, एक बार इसकी वजह से ये वाला हमारा कलर हो गया था, तो हमने एक एक बार घटा दिया। अच्छा, एक बार हमने इसमें से घटा दिया था, ये हमारा बीच वाले को देखो, बीच वाले को देखो, हमारा ये बीच वाला,
एक बार क्या हुआ, इसकी वजह से हट गया, एक बार इसकी वजह से हट गया, एक बार इसकी वजह से हट गया, यानी कितनी बार हमारा हट गया, तीन बार हमारे बीच वाला टर्म ये माइनस में हो गया, तीन बार हमारा ये माइनस में चला गया। अच्छा, तीन बार हमारा क्या हो गया, माइनस में चला गया, पर हमें एक कलर भी तो चाहिए था, ये हमें एक कलर भी चाहिए था। यहाँ पर कुछ गलती हुई है, कुछ गलती हुई है, तीन बार, एक दो तीन, तो हमारा दो बार बचता। एक बार पॉज कर रहा हूँ। ये बता रहा था क्या हुआ, ये हमारा यहाँ तक तो समझ में आ गया इंटरसेक्शन। अब बीच वाले को देखते हैं, बीच वाला हमारा पहले कलर कितनी बार हमने कलर कर दिया, हमने पहले इसको कलर करा था तो हमारा कलर हुआ था, एक बार कलर हो गया, फिर हमने बी वाले सेट को कलर कर रहे थे तो फिर ये दोबारा हो गया था, फिर हम सी वाले को कलर कर रहे थे फिर हमारा हो गया था, यानी कि तीन बार हमें क्या हो गया था, कलर हो गया था, यानी कि तीन बार हमारा प्लस हो गया था, तीन बार हमारा क्या हो गया था, कलर हो गया था। अच्छा, क्या हुआ हमारा ये, अब देखो हमने क्या करा, पहले हमने एक बार ये वाला घटाया, ये वाला हिस्सा हमने घटा दिया, दूसरी बार हमने ये वाला हिस्सा घटा दिया, यानी कि इंटरसेक्शन तीनों घटाए थे, जब तीनों हमने ये घटाए थे तो बीच वाला हमारा ये भी घट गया था तीनों बार, यानी कि तीनों बार हमारा ये क्या हो गया, घट गया, तीनों बार हमारा घट भी गया, तो हमारा बीच वाला कितना बच गया, जीरो बच गया हमारा बीच वाला, हमारा कितनी बार बच गया, जीरो बार बच गया। बट हमें यहाँ पर क्या निकाल रखा है, एफ यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब क्या है, हमारा सारा कलर होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे भी कलर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा कुछ ऐड कर देंगे, क्या है हमारा ये इंटरसेक्शन, हमने क्या कर दिया, एक बार हमने ऐड भी कर दिया, एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या करा है दोबारा देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या था, एफ यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला, इन तीनों को क्या करना है, तीनों को कलर करना है, तो तीनों को हमने पहले कलर कर दिया, ठीक है, तीनों को कलर कर गए थे तो एक बार पहले, मैं दोबारा मैं कलर इसे मिटा के दिखा देता हूँ, अगर ना समझ में आए तो वेन डायग्राम वाला ये लेक्चर देख लेना, तीन सेट्स वाला, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये हमारा सेट है, कोई एक सेट है जिसमें हमारे तीन एलिमेंट है, ये हमें क्या बोल रहा है, एफ यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब ये तीनों हमें कलर होने चाहिए, यानी कि सारे पार्ट्स के कलर होने चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ठीक है। हम ए वाले को कलर पहले कलर कर रहे हैं, ए वाले को हम कलर कर रहे हैं पहले, ए वाले को मैंने कलर कराया, ठीक है, ए वाले को हमने कलर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बी वाले को कलर कर रहे हैं, हम बी वाले को कलर कर रहे हैं, ठीक है, बी वाले को कलर कर दिया। अब क्या करना है, सी वाले को कलर कर रहे हैं, मान लो कोई तीसरा मार्कर तो मेरे पास है नहीं, तीसरा सी वाले को भी हमने इससे कलर कर दिया, ठीक है, क्या करा हमने, कलर कर दिया। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा एक तो ए वाले की वजह से भी यहाँ पर कलर हुआ है, एक बी वाले की वजह से भी कलर हुआ है, यानी कि दो बार कलर हुआ है। बट हमें यहाँ पर चाहिए कितनी बार था, एक बार चाहिए था, इसलिए हमने क्या करा, एक बार हमने एफ इंटरसेक्शन बी हमने घटा दिया, ठीक है। दूसरी बार इस वाले और इस वाले में देखो, इस वाले में पहले इसकी वजह से एक बार कलर हुआ, इसकी वजह से भी एक बार हमने यहाँ पर कलर कर दिया, बट हमें यहाँ पर चाहिए कितनी बार था, एक बार चाहिए था, इसलिए हमने क्या करा, बी इंटरसेक्शन सी भी हमने घटा दिया। सॉरी, ये क्या था हमारा, हाँ, बास्केटबॉल और क्रिकेट, ये हमारा बी, ये हमारा फुटबॉल, ये हमारा सी, क्या करा हमने, बी और सी वाले भी एक बार घटा दिया क्योंकि दो बार हो रखा था। सेम हमारा इस तीसरे वाले की वजह से भी हो गया था। चलो, जब पहली बार हमने ए को कलर करा था तो ये हमारा बीच वाला पार्ट भी एक बार कलर हो गया था, फिर हमने बी वाले को कलर करा था तो हमारा बीच वाला पार्ट दोबारा कलर हो गया था दो बार, जब हमने सी वाले को कलर करा था तो ये हमारा एक और बार, यानी कि तीन बार कलर हो गया था, तीन बार क्या हो गया हमारा, कलर हो गया, यानी कि प्लस लिख देते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने जब इसको हमने एक बार हमने इस बीच वाले को हमने घटाया था, एक बार हमने घटाया था तो कितनी बार घट गया, बीच वाला भी एक वाला घट गया, जब इंटरसेक्शन वाले को हमने एक बार घटाया था तो बीच वाला एक बार घट गया, जब हमने बी इंटरसेक्शन बी वाले को एक बार हमने घटाया तो फिर से हमारा बीच वाला घट गया, यानी कि दो बार घट गया, जब हमने एफ इंटरसेक्शन सी वाले को हमने फिर से इस बार घटाया तो हमारा बीच वाला पार्ट फिर से घट गया, यानी कि तीन बार घट गया, वो तीन बार घट गया, यानी बच कितना गया हमारा, जीरो। यहाँ पर मतलब ये हमारा कितना है, जीरो, यानी कि हमने शेड करा ही नहीं है। बट हमारा ये वाला बीच वाला पार्ट भी तो हमारा शेड होना चाहिए था, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। फॉर्मूला आपके पास है, सारे नंबर डालो और आंसर ले आओ। डालते हैं
एफ यूनियन बी यूनियन सी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 58। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितना दे रखा है 38, प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 15, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी 20, प्लस में अच्छा ये तो हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, ये निकालना है हमें मतलब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, चलो छोड़ दो, इसकी भी नहीं पता, इसकी भी नहीं पता, चलो छोड़ देते, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन सी, छोड़ दिया। इस वाले की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है, कितना है हमारा तो प्लस 3 हो गया, ठीक है इसे नोट कर लो एक बार, मैं ऊपर वाला पार्ट मिटाऊंगा, नोट कर लो, मिटाते हैं इसको, ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है ये वाला मिटा देते हैं, इसको मैं मिटाई दे रहा हूँ क्योंकि डाटा हमारे पास है ही, हमें निकालना है ये वाला पर, हमें ये निकालना है, क्या करना है हमें, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, इसको ले जाते ऊपर, इस तरफ हमारा कितना है 58 इक्वल्स टू में 38 प्लस 15 8 5 13 का 3 यहाँ से लेकर 3 1 4 1 5 53 प्लस में हमारा 20 प्लस में हमारा 3 यानी कि हम इसे 23 करते हैं, माइनस में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन सी, सॉल्व करो कितना आ रहा है हमारा 58, इसको प्लस करोगे 3 3 6 56 56 और 2 76 76 आ गया हमारा माइनस, अब इसमें से क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्यों हमें यहाँ पर बीच में प्लस चाहिए तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो इंटरसेक्शन ये एफ इंटरसेक्शन सी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन बी सी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन सी, क्या करा हमने माइनस हमने कॉमन ले लिया, अच्छा क्या करते हैं इस वाले माइनस को हम इधर ले जाते हैं, इस वाले एलिमेंट इस वाले को हम उठा के इधर ले आते हैं, इस वाले को हम इधर ले आते हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन सी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन सी हमारा कितना आ गया 76 हमारी इस तरफ से आई, हमने क्या करा 58 को हम उस तरफ उठा के ले जाते हैं यानी कि माइनस 58 कितना बच जाएगा 8 8 16 6 7 18 यानी कि 18 लोग हैं, यानी कि क्या क्वेश्चन में पूछा था 18 मेडल कितने मेडल्स गए थे एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स यानी कि 18 मेडल्स देयरफॉर 18 मेडल्स 18 मेडल्स आर रिसीव्ड इन एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री स्पोर्ट्स यानी कितने मेडल्स गए थे 18 मेडल्स गए थे कितने टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स यानी कि तीन स्पोर्ट्स में से एग्जैक्टली दो स्पोर्ट्स में से कितने मतलब दो स्पोर्ट्स एग्जैक्टली दो स्पोर्ट्स में कितने मेडल गए थे 18 मेडल गए थे, ठीक है इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज होगा, ठीक है तो मिलते हैं आप यहीं पे, बाय बाय।